केंद्र आज परशुराम जयंती है। आज के दिन रामनगर में निकाली गई परशुराम जी की झांकी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आइए देखते हैं के चैनल की एक खास रिपोर्ट। विष्णु का ही अवतार हुए हैं, तो हर साल रामनगर के अंदर रामनगर ब्राह्मण सभा एक हाल बना हुआ है। वहाँ पर पिछले दिन सुबह रामायण अखंड पाठ शुरू होता है और दूसरे दिन जो है ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। कुछ बच्चों को जो 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। उसके बाद हमारे गुरु जी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी हाल ही में जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, तो उनके यहाँ पर प्रवचन होते हैं। आज भी जहाँ पर 12 से लेकर 2 बजे तक उनके प्रवचन हुए और झांकी जो है मुख्य रूप से भगवान परशुराम जी की और बच्चों के कुछ आगे जो अस्त्र शस्त्र लेकर जो उन्हीं का एक जो भगवान बेसिकली जो उनका नाम तो राम था लेकिन शिव जी की भक्ति करने के बाद उनको परशु नाम का जो उनको शस्त्र प्रदान किया गया था उसके नाम से उनका नाम परशुराम पड़ा। और अन्याय के खिलाफ जब भी कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने जनता के साथ अपनी मनमानी की और जब जनता के साथ जैसे जैसे ही कोई अत्याचार बढ़ता है उसी उसी समय किसी भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है, तो ऐसे ही भगवान परशुराम जी ने भी अवतार लिया, अवतरित हुए और उन्होंने उन जो अन्याय राजा थे उनका नाश किया और जनता में पुनः एक राम राज्य की स्थापना।